और कुछ तो बता दीजिए, मुस्कुराना चाहिए और सेट। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं सूर्यदेव चौहान और आप देख रहे हैं A to Z बिहार। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़े चर्चित कलाकार श्री प्रमोद भैया जी हमारे साथ हैं, प्रमोद प्रेमी यादव जी। और आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कलाकारी की दुनिया में आज तो बहुत बड़ा नाम कर लिए हैं ये, और मैं जानना चाहूँगा कि इसका राज क्या है, कैसे शुरू किया आपने इसको। तो भैया सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। और ये भी ये चैनल के लोग देखा था, हम प्रमोद प्रेमी की ओर से ढेर सारा शुभकामना प्यार आप सबके आशीर्वाद चाहिए और सबके प्रणाम बा। और गायकी लाइन में यहाँ सब है कि आइल बन न्यूज वाला हई, तो गायकी लाइन में तो शुरू से आदमी मेहनत कैले बा और अंतिम तकले मेहनत करी। जी जी भैया, सबसे पहला बात तो भैया मैं एक चीज़ हमने देखने को मिला हमें कि एटीट्यूड नाम का कोई चीज़ नहीं है इनमें, कि ऐसा होता है कोई आए और मतलब ये अपना एटीट्यूड दिखाने लगे कि नहीं हम बड़े कलाकार हैं, ऐसी कोई बात इनमें नहीं है। बहुत ही अच्छा इंसान, गायक के साथ साथ बहुत ही बढ़िया इंसान है, और इनका गाना एक से एक मतलब धासु गाना आते रहता है हमेशा, और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भैया आने वाला गाना जो आपका ये चला दुपट्टा है ना, गाने आवे वाला गाना तो रोजे आवता गाना, और आप सब प्यार दुलार देते ना वो गाना के, और आजे वो छूटल बा बहुत ही बढ़िया वेब से गाना, तो आप सब हरे गाना के प्यार दुलार दिल ऐसे ही आप सब देते रहें, और भाई के प्यार आशीर्वाद। और रहल बात कि एगो अच्छा गायक रहते हुए भी केहू भी बा ओकरा अच्छा इंसान बनल बढ़िया उचित के अच्छाई ओकरा अंदर हो तबे वो अच्छा गायक बन सकता। जी केहू भी गायक बागोर अंदर अच्छाई बा तबे वो मंजिल पर पहुँचल बा, मेहनत कैले बा तबे पहुँचल बा। तो हरेक गायक के अपन अपन मेहनत, अपन अपन कर्म, अपन अपन भाग। भैया आपका मुस्कुराने का एक राज देखे, आपके मुस्कुराने का राज क्या है? हम बहुत बार आपको देखा हमने, मुस्कुराए के राज कहा हम कहीं, अब मुस्कुराए के कोनो बात ऐसा नहीं मुस्कुराए, कुछ कुछ बात ऐसा होता है भैया कि जिंदगी में कोई ना कोई बात होता है। आपके गाने में बहुत सारे गाने में देखे आपको, बहुत मुस्कुराने का जो ढंग है, अंदाज है जो अलग है, उसका राज क्या है? चलिए राज उसका बहुत कुछ है, राज थोड़े बता पाएंगे आपको। आप हमेशा मस्ती करते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। कुछ दो लाइन सुनाएंगे दर्शकों से भैया? गाना बहुत बड़ा आइल बा गाना, अगर गाइब तो स्ट्राइक लग जाए कुछ से। ये चैनल के जो भी श्रोता देखा था आप सब ही तरह प्यार आशीर्वाद बन रहा है। सर भैया दो लाइन केवल स्ट्राइक चल जाएगा, नहीं स्ट्राइक चल जाएगा, विश्वास कीजिए मुंह जाएगा मेरे सिंगर हैं, कॉपीराइट जाएगा, स्ट्राइक नहीं जाएगा। चैनल को प्यार आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, जो हमारे लिए इतना समय दिए, इनका बहुत आभारी हैं। तो भैया आपको थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार भैया, और सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो हमें कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका जो भी गाना आया, लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि लोग आपके गाना को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो दर्शकों को थोड़ा सा कुछ हेलो नमस्ते, आप सब भाई के चैनल के प्यार दिए और हमारा गाना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी एक बार एक और सवाल है आपसे कि आप फिल्मों में भी काम कर लेते हैं, गाने भी गा लेते हैं, और गाने के लिए वीडियो भी शूट कर लेते हैं, तो एक साथ ये सब करना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप बहुत खुश रहते हैं, इसका राज क्या है? सब हो जाता है, जब आदमी कोई काम अगर चाहेगा कि कर ले तो कोई काम कर सकता है, उसका शेड्यूल बनाते हैं हम लोग। अच्छा सर। शूटिंग करते हैं तो अगर गाना पड़ता है तो वहाँ का अगल बगल स्टूडियो में जाकर हम लोग गाना गा लेते हैं, शूटिंग चलते रहता है, शूटिंग भी कर लेते हैं। सब जो आदमी चाहेगा कि हम ऐसे कर ले वो कर सकता है। भैया एक बात और कि आप ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं और आपका मन जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगता है, सो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। ये आप गाँव में भी मन लगेगा, मगर सबके गांव में मन लगेगा, मगर ऐसा मजबूरी हो जाना चाहिए, ऐसा काम है हमने के बाकी बाहर रह के पड़े, काम के चलते आदमी बाहर रहेगा। और अच्छा लगेगा कि मेहनत आदमी करे तो समय बा, मेहनत करे के समय खोल ना देवे के चाहिए, तो मेहनत आदमी हमेशा करते रहे।